वही कोलकाता केस में सीबीआई का एक्शन इस समय तेज नजर आ रहा है। आरजी कर अस्पताल से निकली सीबीआई की टीम, अस्पताल में तकरीबन 20 मिनट तक सीबीआई की टीम जांच करती रही। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अस्पताल पहुंची थी। बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। कोलकाता केस में सीबीआई का एक्शन तेज हो चुका है। आरजी कर मेडिकल अस्पताल में सीबीआई की टीम मौजूद थी और अब से कुछ ही देर पहले सीबीआई की टीम यहां से निकल चुकी है। अस्पताल में तकरीबन 20 मिनट तक जांच टीम रही और सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अस्पताल छानबीन करने के लिए पहुंची। देव घोष मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। देव, क्या कुछ इस समय बातें निकल कर के सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई की टीम लगातार मशक्कत कर रही है और केस किसी तरीके से अनसॉल्व हो ये कोशिश सीबीआई की टीम की तरफ से, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल शिखा, देखिए जैसे सीबीआई का दो टीम आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आए थे, एक टीम अभी भी फोरेंसिक लैबोरेटरी टीम के साथ हॉस्पिटल का पूरा स्कैनिंग हो रहा है। साथ ही साथ जो चौथी फ्लोर सेमिनार हॉल पे जहां पे ये रेफ एंड मर्डर हुआ था वहां पे पूरा 3D डिजिटल मैपिंग हो रहा है, साथ ही साथ लेजर स्कैनिंग तमाम पूरा हॉस्पिटल की हो रहा है। मैं मेरा कैमरा सहयोगी प्रकाश से बताऊंगा, वो चेहरा दिखा वहीं की तस्वीर दिखाने के लिए देख सकते हैं एक नया पोस्टर लगा हुआ है आज से, हैंग दी रेपिस्ट। तमाम ये मामले में कितने और आरोपी शामिल है, संजय रॉय नहीं बल्कि और कई आरोपियों इसमें शामिल है, सबको गिरफ्तार की मांग रखी है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल चल रहा है तमाम कलकत्ता भर में, साथ ही साथ सीजीओ बिल्डिंग में कॉलेज की प्रिंसिपल संदीप घोष को एक सीबीआई टीम पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय रॉय को आरोपी को सीएफएसएल टीम उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लियर आ रहा है सीबीआई की टीम ये मामले को लेकर पूरा तेज रफ्तारी में जांच का प्रक्रिया रखे है। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। वही कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट समय हो रहा है। सीएफएसएल टीम ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। दिल्ली से पहुंची थी सीएफएसएल की टीम और साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी संजय का किया गया है। देव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देव, ये जो टेस्ट हुआ है इसका जो रिजल्ट है वो कब सामने आने वाला है और फौरी तौर पर अगर जो जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या बातें सामने आएगी? देखिए, जैसे तमाम सीबीआई टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सबसे बड़ा बात अहम बात यह है कि कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को तमाम 3 दिन से सीबीआई पूछताछ कर रहा है। कहीं ना कहीं सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको हर रोज 3 दिन से बुलाकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ जारी है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए सीबीआई टीम कर रहा है, जैसे कई बातें सामने आई है, संजय रॉय एक ड्रगिस्ट है, काफी दारू की बात करें, शराब की बात करें, ड्रग्स की बात करें वो तमाम लेते थे। सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो सही है या नहीं है, और साइकोलॉजी जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा रेफ मर्डर की बात करें, सो इसके नजर में रखते हुए सीबीआई टीम उनको सीएफएसएल टीम जो दिल्ली से कल आई है उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, और संदीप घोष जो 3 दिन से एक्स प्रिंसिपल जिनका तमाम सवाल सीबीआई पूछताछ कर रहे हैं, सीबीआई उनके बातों से संतुष्ट नहीं है जो सूत्रों से मिला है, इसलिए सीबीआई लगातार संदीप घोष को पूछताछ कर रहे हैं और एक टीम संजय रॉय को आरोपी को भी पूछताछ जारी रखा है, और एक दूसरा टीम यहाँ पे आरजी कौर हॉस्पिटल में फॉरेंसिक टीम के साथ पूरा स्कैनिंग कर रहे हैं। जो सेमिनार हॉल पे यह हादसा हुई थी, ये रेफ मर्डर हुआ था, वहां का टोटल 3D मैपिंग हो रहा है, 3D डिजिटल मैपिंग। 3D डिजिटल मैपिंग क्या होता है ना, सीन रिकेशन का जो प्रक्रिया जहां पे ये रेफ हुआ था, ये मर्डर हुआ था, वो पूरा एरिया को सील होके कैसा क्या सीन रिक्रिएट हुआ था, किस जगह पे उनसे रेप हुआ था, कौन सी जगह पे मर्डर हुई थी, तमाम ये चीजों को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यानी सीन का रिक्रिएशन इस समय देव वहां पर किया जा रहा है ताकि जो निर्णय है उस पर जल्दी से जल्द सीबीआई की टीम पहुंच सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, अगर आपको याद हो मामले में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देव, इस पूरे मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी, वेन के तार कहां से जुड़ते हुए पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए 14 तारीख रात को जैसे तोड़फेड़ एक ठो मतलब जो गुंडे जो बोल सकते हैं, जो गुंडे की फौज तमाम आके आरजी कौर हॉस्पिटल में, अभी भी तस्वीर उसका सबूत है, देख सकते हैं जो इमरजेंसी का गेट है अभी भी टूटा हुआ वैसे नजर में है, वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा।
जो तमाम 7000 से ज्यादा गुंडे फौज आकर तोड़फोड़ किए थे, जिनमें 32 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है, और पुलिस तमाम सिक्योरिटी फोर्स पूरा हॉस्पिटल के चारों तरफ छाए हुए हैं एक तरफ, और सिक्योरिटी का मामला करें अभी आरजीकर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी और सेफ्टी को पहले नजर में रखते हुए तमाम पुलिस फोर्स पूरा हॉस्पिटल के चारों तरफ घेरे हुए हैं। और उस दिन रात को जैसे ये गुंडे फोर्स आकर तोड़फोड़ की है, इमरजेंसी में घुस के आउटडोर में, ये जो मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो पिक्चर्स, जो सस्पेक्टेड चेहरा सामने तस्वीर आए थे, सबको अरेस्ट एक एक करके हो रहा है, और ये गुंडे फोर्स कौन थे, क्यों ऐसे तोड़फाड़ किए, इसके ऊपर पूरा पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। संदीप घोष से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। कल सीबीआई टीम ने संदीप घोष से तकरीबन 13 घंटे पूछताछ की। वारदात के समय अस्पताल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ हो रही है। संदीप घोष से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। देव, क्या कुछ बातें निकल करके आई है संदीप घोष से जब पूछताछ हुई? देखिए, तमाम 3 दिन से आरजीकर हॉस्पिटल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष को एक्स प्रिंसिपल का पूछताछ जारी है। सीबीआई कहीं ना कहीं उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उनका जैसे सीबीआई पूछताछ जारी रखे है कि तमाम 3 दिन से, कल जैसे 13 घंटा लगभग उनसे पूछताछ था, आज भी सुबह 11 बजे से सीबीआई का टीम सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ जारी रखे है। ये बात संदीप घोष को लेकर तमाम कलकत्ता भर, वेस्ट बंगाल भर बहुत ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। चाहे डॉक्टर्स की बात करें, ट्रेनी डॉक्टर्स की बात करें, कलकत्ता वासियों की बात करें, कहीं ना कहीं संदीप घोष ये मामले में जुड़े हुए बोल के, जैसे पहले जब खबर उनके परिवार को मिला था, जब हॉस्पिटल के स्टाफ पहले परिवार को, विक्टिम के परिवार को खबर दिए थे कि वो एक सुइसाइड की हुई है, तो इस ये लाइन, ये सेंटेंस तमाम एक इन्वेस्टिगेशन को, मामले को ज़्यादा बढ़ा दिए, और इसलिए संदीप घोष को लगातार पूछताछ जारी रखे है सीबीआई टीम। तो देखिए, तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है। कल सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ की थी। वारदात के समय अस्पताल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संदीप घोष से लगातार कल 13 घंटे पूछताछ हुई, और आज भी सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, स्वाट पर पहुंची हुई है। ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब सीबीआई की टीम आज वहां पर पहुंची और कुछ ही घंटे के बाद वहां से रवाना हो गई। देव, कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो इस वारदात को हुए हुए तकरीबन 4 से 5 दिन का वक्त हो चुका है। सीबीआई इस पूरे मामले में किस तह तक पहुंची है, कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, यहाँ पे शिखा मैं एक बात बता रहा हूँ। जब सीएम ममता बनर्जी पीड़िता के घर गए थे पिछले संडे को, उन्होंने 7 दिन का टाइम लिए थे परिवार वर्ग से कि 7 दिन के अंदर आरोपी को सजा मिलेगा ही मिलेगा। उस बीच मंगलवार जब ये केस को सीबीआई को हैंडओवर हुआ, बुधवार से सीबीआई केस को टेकओवर किए करने के बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन जैसे जारी रखे, अब तक कहीं ना कहीं लग रहा है सीबीआई उनके अंतिम मोड पे है और इन्वेस्टिगेशन। अच्छा देव, जरा जरा बने रहिए।